नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आइए आज हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और मैनेजमेंट पर, जिस कोर्स का नाम है डिजिटल इकोसिस्टम एंड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। यह प्रथम इकाई है इस कोर्स की और आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। देखते हैं हम आज लेक्चर में क्या क्या बातें करने वाले हैं आपके साथ। आज हम बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन का, इस व्याख्यान का क्या उद्देश्य है, मुख्य रूप से डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या अंतर है। तो आज का हमारा एजेंडा हमने आपके साथ साझा किया। डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या समझते हैं? डिजिटल मार्केटिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म द फेस ऑफ आवर मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज की मार्केटिंग इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट हैज़ ओपन्ड द प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेसेस। आज के समय में इंटरनेट ने एक पिटारा सा खोल दिया है बहुत सारे अवसरों का, हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक कम्युनिकेशन करना, अपना एड पहुंचाना और अपने ब्रांड का जो है मार्केट करना बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए हम कहते हैं द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, इजिएस्ट एंड एफिशिएंट मोड फॉर ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। अब बात करेंगे कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आज के समय की ज़रूरत किस रूप में बन गई है। डिजिटल मार्केटिंग से हम अपने ब्रांड को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, और साथ ही जो सोशल मीडिया है, यूज ऑफ सोशल मीडिया अब सिर्फ पिक्चर्स या वीडियोस शेयर करने तक सीमित नहीं रह गया है। हम इसके माध्यम से अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक टर्म आज के समय में जो हम यूज कर रहे हैं उससे क्या आशय है, ये भी अपने छात्रों को बताना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग टारगेटेड मार्केटिंग कहलाई जाती है, मेजरेबल मार्केटिंग कहलाई जाती है, इंट्रैक्टिव मार्केटिंग कहलाई जाती है, क्योंकि इन सब टर्म्स का जो हमने उपयोग किया है इनका अपने आप में एक अर्थ है, एक महत्व है। अर्थात मेजरेबल का आशय है कि आपने जो एफर्ट मार्केटिंग के लिए किए उनको आप मेजर कर सकते हैं। टारगेटेड का मतलब आप डिजिटल कम्युनिकेशन माध्यम से उन्हीं उन्हीं लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं। और साथ ही इंट्रैक्टिव मार्केटिंग का आशय है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस से इंट्रैक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तमाम सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम अपना मार्केटिंग करते हैं उसके मैंने एक तरीके से कह सकते हैं कि एडवांटेज आपके सामने रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अ वेराइटी ऑफ मीडियम्स कैन बी यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आज के समय में हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, अपने सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। उनमें से कुछ माध्यमों के नाम हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट्स, जैसे मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल एप्लीकेशंस, वीडियोज, वॉइस कॉल्स, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, तमाम सारे माध्यम हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग ऑफर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग बट फोकसेस थ्रू डिजिटल मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग से जो आशय है वो ये है कि किसी भी तरह का इंटरनेट मार्केटिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम सारे चैनल हैं इसके, तमाम सारे माध्यम हैं जिनमें हम डिजिटल मीडिया अर्थात मीडियम जो हमारा डिजिटल फॉर्म में रहता है। तो ये हम बात कर रहे थे आज की एक एक संक्षिप्त परिचय हमने आपके साथ साझा किया डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या समझते हैं। आज इस व्याख्यान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लेकर आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है इस प्रेजेंटेशन के पीछे, मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। डिफाइन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, शायद इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम ये कर चुके हैं। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग के महत्व को आज जानते हैं, हर हर व्यक्ति इस बात को समझता है डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। और साथ ही हम बात करेंगे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ट्रेंड रहा है और आज के समय में जो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड रहा है, उन दोनों में क्या असमानताएं हैं या क्या समानताएं रहीं, उनके डिफ्रेंशिएशन को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, आखिर में डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। अ डिजिटल मार्केटिंग कवर्स ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स दैट यूज द इंटरनेट। सामान्य शब्दों में कहें तो डिजिटल मार्केटिंग से आशय उन सारे माध्यमों से की जाने वाली मार्केटिंग से है जिनमें कहीं ना कहीं इंटरनेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है।
डिजिटल मार्केटिंग इज़ द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय यूजिंग ऑनलाइन मार्केटिंग प्लान्स। डिजिटल मार्केटिंग से आशय उन सब चीज़ों से है जिनके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, आइदर सेल कर सकते हैं, या सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक को अपना सकते हैं। ये तमाम सारे माध्यम जो हम यूज करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग के श्रेणी में रखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आज के समय की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग तरीकों से स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारे लिए हमारे बजट स्केल में आने वाली डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी टैक्टिक्स ज़्यादा बेहतर है। डिजिटल मार्केटिंग हैविंग क्लियर एंड प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हाउ इज डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन सपोर्ट देयर मार्केटिंग गोल्स। जनरली होता क्या है कि जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, जिनमें प्रिंट मीडिया कह सकते हैं या अखबारों में आप अपना जो है एड देते हैं, उसमें से आपके जो एड को पढ़ने की जो जो टारगेट ऑडियंस है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उस एड को पढ़े, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में वाइस वर्सा आप एक मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपने जो बजट खर्च किया है क्या उससे आपको क्या क्या आउटकम प्राप्त हो रहा है। इसके तमाम सारे माध्यम हैं। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या फॉर्म्स अवेलेबल हैं। हमने कुछ फॉर्म्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं या यूँ कह सकते हैं कि जो आजकल ट्रेंड में हैं, उनको आपके सामने लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं ऐसा हमारा मानना है, जिसमें से मुख्य क्या क्या हैं मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको बोलचाल में हम SEO कहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक जिसको PPC कहते हैं, PPC, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ऐसे टूल्स भी हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली प्रमोट करते हैं, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग। ये बहुत सारे नाम, अलग अलग टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ साझा की, और कोशिश है कि इन सारे टर्म्स को हम बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखें, और विस्तार से हमारे SLM में ये सब बातें दी गई हैं। उम्मीद है कि आप SLM पढ़ रहे होंगे। जो हम बात कर रहे थे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इससे क्या आशय है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो सामान्य अर्थ है, जो सरल शब्दों में अर्थ है, वो यह है कि हम किस प्रकार अपने जो वेबसाइट के पेजेस हैं उनको किसी सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल गूगल कहें या बिंग कहें या एमएसएन कहें, वट एवर, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, उन उनमें अगर कोई क्लाइंट या कोई यूजर हमारी तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए सर्च करता है, तो उसकी सर्च रैंक में ऊपर कैसे आए, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या टॉप सर्च में कैसे आए, इसके लिए की जाने वाली जो जो तरीके हैं उसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, अर्थात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तीन तरीके हैं जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं। एक तरीके को हम कहते हैं ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अर्थात ऑन पेज SEO। दूसरे तरीकों को हम कहते हैं ऑफ पेज SEO, और हम तीसरे तरीकों को कहते हैं टेक्निकल SEO। ये तीन मुख्य कैटेगरी हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। ऑन पेज SEO से क्या आशय है? इट फोकसेस ऑन द कंटेंट दैट एग्जिस्ट ऑन द पेज, सामान्य अर्थ है, अर्थात जो आपका कंटेंट आपके पेज पर अवेलेबल है उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है ताकि वो सर्च में ऊपर आए। ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO के बहुत सारे माध्यम हैं। हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं, देखिए मेरा एक वेबसाइट बना हुआ है, आप उसको जाके देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक ब्लॉग लिख दिया, ब्लॉग में बताया कि मेरे वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं। अब कोई उस ब्लॉग को कोई पढ़ेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे जा सकता है, उसका लिंक दे दिया मैंने। तो माउथ पब्लिसिटी करी, मेरे पास व्हाट्सएप के 500 कॉन्टैक्ट थे, मैंने 500 अपने फ्रेंड्स को कहा देखिए मेरी वेबसाइट पे जाइए। अगर 500 में से अगर 100 लोग भी मेरी वेबसाइट पे जाकर के मेरी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसको उसके कंटेंट को रीड करते हैं, तो एक तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि मैं अपना ऑफ पेज SEO इंक्रीज कर रहा हूँ। तो किस तरीके से, जो कंटेंट पेज पर नहीं है मगर फिर भी लोग मेरे मेरी साइट पे जा रहे हैं, इस कॉल्ड ऑफ पेज SEO। अच्छा, टेक्निकल SEO क्या चीज़ होता है, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल SEO से आशय इस बात से है कि जो डेवलपर्स ने मेरा वेबसाइट का जो पेज डिज़ाइन किया है, क्या उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जिससे जैसे कीवर्ड्स सेलेक्शन का है, या टैग आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल के नाम आप कैसे रखते हैं, ये टेक्निकल SEO का पार्ट है।
वो अगर बेहतर किए हुए हैं, वो वैसा किया है जिस तरीके का आशय हम SEO से लगा रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन से लगा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि हमारे पेज का टेक्निकल SEO भी अच्छा है। तो आप जब कभी भी आप बिजनेस की तरफ जाएं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका टेक्निकल SEO अर्थात जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो वेबसाइट का डेवलपर है, उसको भी SEO की बेहतर नॉलेज होनी चाहिए, तब आप पूरे SEO का लाभ उठा सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि मीडियम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, पहला हमने बात करा SEO, दूसरे में हम बात कर रहे कंटेंट मार्केटिंग, आज की ज़रूरत है। कंटेंट मार्केटिंग रेफर्स टू द क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ द कंटेंट टू जनरेट अवेयरनेस, ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, लीड जनरेशन एंड कस्टमर्स। इस एक परिभाषा में मुझे लगता है कि हमने कंटेंट मार्केटिंग का पूरा लुक आपके सामने रख दिया है, अर्थात प्रमोशन करना इसका उद्देश्य है। कंटेंट के माध्यम से अलग अलग जगहों पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप देखते हैं इंटरनेट यूज़र अगर आप हैं, आप देखते हैं किसी भी साइट पे किसी भी चीज़ का आपको ऐड मिल जाएगा, या कोई ब्लॉग लिखा हुआ मिल जाएगा, या कोई आर्टिकल मिल जाएगा उसके बारे में। आपको पता नहीं है क्या चीज़ है, मगर उस चीज़ को पढ़ के, उस कंटेंट को पढ़ के आपको समझ में आता है, अच्छा ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, चलो मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो आप अगर उस बात से इंस्पायर हो गए, इट्स कॉल्ड जिसने कंटेंट मार्केटिंग लिखा है वो गुड है, उसने आपको इंस्पायर किया। तो कई बार हम कमेंट्स पढ़ते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, ब्लॉग पोस्ट में लोग बहुत मेहनत करते हैं, इन्फोग्राफिक्स में लोग बहुत मेहनत करते हैं, इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज के समय की ज़रूरत है। अगर आप आज ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो बिजनेस है, जो सर्विसेज हैं, वो लोगों के बीच में जाएं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी हथियार है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। दिस प्रैक्टिस इनकरेज योर प्रोडक्ट योर सर्विसेज ऑन सोशल मीडिया चैनल्स। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पर आपको एक अच्छी पहचान मिल सकती है। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, बेहतर आप जानते भी होंगे, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंकडिन है, स्नैपचैट है, ऐसे बहुत सारे तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप अपनी मार्केटिंग अपने कैंपेन्स चला सकते हैं। आगे बात करते हैं पे पर क्लिक, PPC हम जिसको बोलचाल में कहते हैं। अगर आपने कोई एड जो है चलाया है इंटरनेट माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, तो उसमें क्या है कि आपके किसी एक एड पर क्लिक होने से आपको कुछ पैसा भी मिलता है, या यूँ कहें कि आपने कोई एड जो है परचेज किया, यूँ कहें आपने अपनी साइट पे ऐड लगाने को कहा, उससे दो फायदे हैं। एक, जिसका सामान बिकेगा उस ऐड में क्लिक करने के बाद से वो उसकी रूट साइट पे पहुंचेगा, सोर्स साइट पे पहुंचेगा, उसको तो फायदा है ही है। साथ ही ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लोग इससे अपना बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। बेसिकली इस तरह की सुविधा गूगल भी देता है, फेसबुक भी देता है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो देते हैं, जिसको हम PPC पे पर क्लिक कहते हैं। तो आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। हमने जैसे कि बात करा पे पर क्लिक में, जो प्रोमिनेंट जो प्लेयर्स हैं, मैंने नाम बताया आपको, फेसबुक है, ट्विटर है, और स्पॉन्सर्ड मैसेज जो चलाते हैं, लिंकडिन चलाते हैं, इस तरह की ये मार्केटिंग ट्रेंड पे पर क्लिक पे काम करते हैं। अगला बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है, ये शायद हो सकता है आपके लिए नया टर्म हो। आप परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग कह सकते हैं इसको, वेयर यू रिसीव कमीशन फॉर प्रमोटिंग समवंस प्रोडक्ट और सर्विसेज। सीधी सीधी बात है, किसी थर्ड पर्सन का आप प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप उसको अपने मीडिया चैनल से, अपने वेबसाइट से, अपने ब्लॉग से जो है प्रेफर कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आइए ये भी एक चीज़ है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ कमीशन लेंगे, इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आज के समय में एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत सारा बोलबाला है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, उसमें वीडियो ऐड का बड़ा रोल है। आपकी साइट पे वीडियो ऐड चल रहा है, आपकी साइट पे इमेज के रूप में ऐड चल रहा है, आर द फॉर्म्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, या सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से आप ये सब काम कर रहे हैं, आर कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अगली बात करते हैं नेटिव मार्केटिंग क्या चीज़ है, या नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है। इट रेफर्स टू द एडवर्टीजमेंट्स दैट आर प्राइमरली कंटेंट लीड एंड फीचर्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म अलोंग साइड अदर्स नॉन पेड कंटेंट। ये एक तरीके से बजवर्ड है आज के समय में, हम नेटिव मार्केटिंग को कहेंगे। तो जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट कह सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और वो किसी किसी और का है, आपने सिर्फ उसको फॉरवर्ड कर दिया, आपने आगे आगे कैरी ऑन कर दिया, मगर उसका रूट जो है, जो रूट वेबसाइट है या सोर्स वेबसाइट है, उसका लाभ किसी और को मिलने वाला, आर कॉल्ड नेटिव एडवर्टाइजिंग एड्स या एडवर्टीजमेंट्स। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या चीज़ है, इस पर बात करते हैं। इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स टू ऑटोमेट योर बेसिक मार्केटिंग ऑपरेशंस। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके मार्केटिंग कैंपेन को ऑटोमेटिकली करते हैं,
जिसमें आपको मैनुअली ध्यान देने की जरूरत नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को ईमेल एड्रेस सब्सक्राइब करने की सुविधा दे रखी है, और आपने ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना रखा है कि आपका हर महीने का या हर हफ्ते दिन का न्यूज़लेटर इन सारे ईमेल पर जो है पोस्ट हो जाए या ईमेल चले जाए। ये एक तरीके का ऑटोमेटिक मार्केटिंग कैंपेन कहते हैं, जिसमें क्या पता लगेगा लोगों को आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कुछ भी आपकी न्यूज़लेटर में लिखा हुआ है, ऐसे तमाम जगह पर आपको मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ऐसे बहुत सारे मेल आते भी होंगे ऑटोमेटिकली। तो दीज आर द न्यू मार्केटिंग ट्रेंड्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन। जरूरी नहीं है कि इससे आपका जो क्लाइंट है वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करे, मगर उसको आपके बिजनेस के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में एटलीस्ट पता तो लग गया। दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल। आगे बढ़ते हैं, ईमेल मार्केटिंग क्या चीज़ है। बहुत पॉपुलर माध्यम है ईमेल मार्केटिंग, और बहुत इजी माध्यम है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इसको मैनुअली भी करते हैं और बल्क ईमेल के माध्यम से भी करते हैं। कंपनीज यूज ईमेल मार्केटिंग एज अ वे फॉर ऑफ कम्युनिकेटिंग विद दियर ऑडियंस। आप देखते होंगे मेरे पास ऐसे बहुत सारे ढेरों मेल आते हैं जिसपे लोगों के प्रमोशन से रिलेटेड कंटेंट, या डिस्काउंट ऑफर से रिलेटेड, या कुछ हॉलीडे आने वाला होगा तो वैकेशन के जो है बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि हम आपको इतने परसेंट छूट दे रहे हैं, ये मेल के माध्यम से आते हैं। तो ये ईमेल भी एक तरीके से मार्केटिंग के लिए यूज किया जाने वाला ट्रेंड है, कब, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ईमेल मार्केटिंग में और आप क्या क्या कर सकते हैं। आप वेलकम ईमेल भेजते हैं, आप किसी हॉस्टल में गए, किसी होटल में गए, किसी टूरिस्ट प्लेस में गए, आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, अपना अपना मोबाइल नंबर दिया, तुरंत आपको मेल आ जाएगा, देखिए हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स हैं। तो इससे क्या होता है, एक टच बना रहता है लोगों के साथ। आपने किसी साइट पे कोई प्रोडक्ट जो है खरीदने के लिए अपना जो बेसिक डिटेल्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, मोबाइल है, फ़ोन नंबर है, क्या कहते हैं, ईमेल आईडी है डाला, तो आपको वो अपना ईमेल आईडी अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर आपको अपना ईमेल भेजेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन क्या चीज़ है। आज की ज़रूरत है लोगों के साथ कम्युनिकेशन बैठाए रखना, अपनी रेपुटेशन क्रिएट करना। तो जो ऑफलाइन पब्लिक रिलेशन है, जनरली हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की भी जगह होती है, तो उसका बहुत सारा रूप अब ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन की तरफ जा रहा है कि आप लोगों को त्यौहार की विशेष भेजते हैं, उनसे कहते हैं आप कैसे हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, और तमाम सारी चीज़ें आप उनको ऑनलाइन के माध्यम से भेजते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि ये सिर्फ हमें अपने बिजनेस सब के लिए ही फ़ोन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा ध्यान भी रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आउटरीच प्रोग्राम्स। तो आज के समय में सोशल मीडिया हो या और बहुत सारे टूल्स के माध्यम से हम इंगेजमेंट मार्केटिंग कह सकते हैं, जिससे हम ऑनलाइन रिलेशन बिल्डअप करते हैं, इस कॉल्ड ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, जो मेरे ख्याल से हमारा डिजिटल मार्केटिंग की जो हम चैनल आपके सामने डिस्कस कर रहे थे उसमें से शायद अंतिम चरण में है, इनबाउंड मार्केटिंग। इट इज़ अ मार्केटिंग मेथोडोलॉजी वेयर यू अट्रैक्ट, इंगेज एंड डिलाइट कस्टमर्स एट एवरी स्टेज ऑफ बायर्स जर्नी। बहुत संक्षिप्त परिभाषा हमने आपको साझा की है। क्या कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इनबाउंड मार्केटिंग में वो सारे मार्केटिंग मेथडोलॉजी, मार्केटिंग टूल्स इस्तेमाल होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिनके माध्यम से आप अपने कस्टमर को कभी भी कहीं पर भी उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की तरफ। तो इनबाउंड मार्केटिंग में वो सारे टूल्स को हम शामिल कर सकते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करें। ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेड मार्केटिंग टूल्स कंबाइंडली और ज्वाइंटली इंगेज्ड, यूज्ड कहना चाहिए, यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग यू नो योर प्रोडक्ट सर्विसेज आर कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग टूल्स। तो ये हमारा डिस्कशन रहा कि मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या चैनल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करेंगे हाउ इज़ डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे क्या क्या फ़ायदे नज़र आते हैं जो कि शायद हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं थे। एक, रिड्यूस्ड कॉस्ट। अगर आप टेलीविज़न या अखबार पे ऐड देते हैं, ये आपको बहुत महंगा बैठता है। हो सकता है यू आर अ न्यू एंटरप्रेन्योर, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट एट डिजिटल लेवल यू मे, आप कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट आपके बजट पर निर्भर करती है। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग का जो आपको इम्पैक्ट दिखेगा, जो रिजल्ट दिखेगा, वो आपको रियल टाइम दिखेगा। यू कैन सी द रियल टाइम आउटपुट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ब्रांड डेवलपमेंट, अगर आपने एड न्यूज़पेपर में दिया, वो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए आप ऐड देंगे, बशर्ते
आप उसको ग्लोबल लेवल पे ना दे पा रहे हो। अगर आप ग्लोबल लेवल पर कोई ऐड देने की सोचते हैं ट्रेडिशनल माध्यम से, वो बहुत कॉस्टली है। तो ब्रांड डेवलपमेंट कैसे होगा? डिजिटल माध्यम से। आपका डिजिटल माध्यम से दिया गया एड ऑल ओवर है, होल इंटरनेट कम्युनिटी पर है। तो आपका जो जो ग्लोबल ब्रांड डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो सब जगह हो रहा है। नॉन इंट्रूसिव, अगर कोई ये चाहता है कि वो आपके ऐड को नहीं देखे, वो नहीं सुनना चाहता है, तो वो उसको क्या कर सकता है, सुनना चाहता है तो ऑप्ट कर सकता है, अदरवाइज ऑप्ट आउट कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी को आपके ऐड से कोई परेशानी हो। हमारे पास आते हैं ना, आप देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो वीडियो चलते चलते बीच में ऐड आ जाता है, आप नहीं देखना चाह रहे हैं उस ऐड को, आप स्किप कर दीजिए, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी उससे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में है। हायर एक्सपोजर है आपको, आपको लोगों तक पहुंच बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बहुत सारे माध्यम हैं, तमाम माध्यमों से हमने आपके साथ चर्चा करी, आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि आप अपने लिए स्वरोजगार के माध्यम भी देख सकते हैं कि आप किस डिजिटल टूल पर बेहतर काम कर सकते हैं। ये भी एक आर्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द आर्ट। और हायर इंगेजमेंट है, हायर इंगेजमेंट का क्या आशय है डिजिटल मार्केटिंग में इन इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कि आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इंट्रैक्टिविटी भी कर सकते हैं, उसको एंगेज भी कर सकते हैं, उसके लिए ऑफर भी पेश कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में शायद इतनी ईजिली संभव नहीं हो पाता। तो क्विकर पब्लिसिटी है, क्विकर पब्लिसिटी, जल्दी आपको लोग जान रहे हैं, अदरवाइज इतनी जल्दी आपको, आप देखते हैं ना आजकल चीज़ें वायरल हो जाती हैं, आप आपके अपने संज्ञान में रहे होंगे, तमाम सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए जो रातों रात लोग जो है पॉपुलर हो गए, दैट इज़ कॉल्ड क्विकर पब्लिसिटी। और गुड फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ फील्ड्स, ये यूँ कहें कि इस तरह की मार्केटिंग टैक्टिक्स आपके लिए हर स्टेज ऑफ मार्केटिंग पर फिट बैठती हैं। ईजी एनालिटिक्स, आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को कभी भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है, उसको देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग में किसी एक टूल के माध्यम से आपको बहुत अच्छा फायदा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी जल्दी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट्स तुरंत दिख रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर स्ट्रेटेजी है। मार्केटिंग इज ऑलवेज अ फ्यूचर स्ट्रेटेजी, तो आप अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी को भी रिफाइन करने का आपके पास मौका है, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे पास वैसा रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा जैसा आप चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पर हमने बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करी, और आगे का जो डिस्कशन है, जो चर्चा है डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित, हम अगले लेक्चर में आपके साथ पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।